आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पैशन प्ले। मूवी की शुरुआत नेट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मैजिशियन है और यहाँ पर ट्रम्पेट बजाता है। नेट पहले एक ड्रग एडिक्टेड था लेकिन अब उसने ड्रग लेना छोड़ दिया है। इसके बाद वो अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी एक गैंगस्टर नेट को मार कर बेहोश कर देता है। जब नेट को होश आता है तब वो ये देखता है कि वही गैंगस्टर उसको अपने साथ एक डेजर्ट में लेकर जा रहा है उसका मर्डर करने के लिए। गैंगस्टर नेट को डेजर्ट के बीचों बीच लेकर जाता है और वहीं उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी अचानक कोई उस गैंगस्टर को ही गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उस गैंगस्टर को जिसने मारा था वो आदमी नेट के पास आता है। वो नेट को कुछ भी नहीं कहता और उस गैंगस्टर की गन और सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। नेट अकेले डेजर्ट में भागने लगता है। काफी दूर चलने पर उसे एक कार्निवल दिखाई देती है। नेट कार्निवल में जाता है जहाँ पर उसे कई तरह के करतब दिखाने वाले कलाकार मिलते हैं। फिर नेट एक बूथ के पास जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की का नाम था लिली। लिली नेट को अपने विंग्स दिखाती है और नेट ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये विंग्स नकली हैं। लेकिन शो खत्म होने के बाद वो लिली की बहन के पास आ जाता है और देखता है कि लिली के विंग्स असली हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह। नेट को वहाँ देख लिली उससे कहती है कि शो खत्म हो चुका है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। नेट रिक्वेस्ट करता है कि वो भटक गया है और लिली के साथ बस एक ड्रिंक पीना चाहता है। शुरू में लिली उसे मना करती है लेकिन फिर वो उसको अपनी बहन में आने देती है। नेट को पता चलता है कि लिली सच में अपने विंग्स के साथ पैदा हुई थी और तभी से सर्कस के साथ है और वो अपने विंग्स के कारण एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। यहाँ तक कि वो कभी शहर में भी नहीं गई है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद लिली उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेट उससे कहता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। पर लिली उसे इसके लिए मना कर देती है और नेट बेन से बाहर निकल जाता है। हमें पता चलता है कि असल में लिली नेट को बहुत पहले से जानती है और उसने नेट के कई सारे एल्बम भी सुने हैं। बाहर नेट को यहाँ कार्निवल ऑनर सेम और उसके दोस्त रोक लेते हैं। सेम नेट को ड्रिंक करवाने के लिए लेकर जाता है और बताता है कि लिली मुझे कचरे में पड़ी मिली थी और तभी से वो मेरे साथ है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो। अब क्योंकि नेट को पता चल गया था कि लिली के विंग्स असली हैं इसलिए वो नेट को जान से मारने का सोचता है। वो उसे मार नहीं वाला था लेकिन तभी लिली ट्रक लेकर वहाँ घुस जाती है। वो नेट को लेकर वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में गैस स्टेशन पर रुककर नेट अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है कि हमें पता चला है कि नेट एक बहुत बड़ी गैंगस्टर जिसका नाम हैप्पी है उसकी वाइफ के साथ सोया था और इसलिए हैप्पी ने नेट को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। अपनी जान बचाने के लिए लिली को हैप्पी के पास भेजने का प्लान बनाता है। तभी नेट देखता है कि लिली तेज हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है और फिर लिली उसे बताती है कि उसकी विंग्स उसका वेट नहीं उठा सकते इसलिए वो उड़ नहीं सकती। फिर नेट लिली के फोटो खींचने लगता है ताकि वो उन फोटोज को हैप्पी को दिखा सके। रास्ते में नेट लिली को बताता है कि हैप्पी नाम का डॉन उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर रात होने पर वो दोनों होटल में रुकते हैं। नेट लिली को बताता है कि उसे ओशियन देखना है और उसने आज तक कभी ओशियन नहीं देखा। ये सुनने के बाद नेट प्रॉमिस करता है कि वो उसे ऐसे घर में लेकर जाएगा जहाँ से ओशियन 2400 घंटे दिखाई देती हो। होटल रूम में लिली अपना कोट उतारती है और तभी नेट लिली के विंग्स के बारे में उससे कुछ बोल देता है जिससे लिली को काफी खराब लगता है और वो दोनों अलग अलग बेड पर ही सोते हैं। लिली सुबह जल्दी उठकर होटल छोड़कर कहीं चली जाती है। तब नेट उसे ढूंढने लगता है तो मैनेजर से पता चलता है कि लिली ने कुछ कॉल किया और फिर वो यहाँ से चली गई। अभी नेट उस नंबर को फिर से डायल करता है और उसे पता चलता है कि लिली एक डॉक्टर के पास गई है अपने विंग्स को हटवाने के लिए। वो तुरंत ही उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और नेट उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इसी वजह से बहुत स्पेशल हो। और ये सुन लिली नेट की बात मान लेती है और विंग्स नहीं कटवाती। जाने से पहले नेट डॉक्टर को धमकी देता है कि वो लिली के बारे में किसी को ना बताए वरना वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद नेट हैप्पी से मिलने आता है और लिली की फोटो दिखाता है। हैप्पी को ये फोटो नकली लगती है और वो नेट को मारने की धमकी देता है। उस पर नेट उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें ये लड़की कभी नहीं मिलेगी। नेट चाहता था कि हैप्पी लिली के जरिए ढेर सारे पैसे कमाए और उसका 25% नेट को देते रहे। और ये सब सुनकर हैप्पी कहता है कि वो पहले उस लड़की को देखना चाहता है और फिर वो नेट के ऑफर के बारे में सोचेगा। इसके बाद नेट हैप्पी को एक ओपेरा हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन नेट लिली को लेकर ओपेरा हाउस के पीछे एक टापू के ऊपर लेकर जाता है। इसके बाद हैप्पी ओपेरा हाउस में आता है और एक लड़की उसे दूरबीन देती है और पीछे वाला दरवाजा खोल देती है। उसी तरफ लिली और नेट बैठे हुए थे। नेट लिली से कहता है कि मैं उसके विंग्स देखना चाहता हूँ और फिर लिली उसे अपने विंग्स दिखाती है। इधर दूरबीन से हैप्पी ये सब देख लेता है और उसे भी यकीन हो जाता है कि लिली के पास सच में विंग्स हैं और वो अपने आदमियों से कहता है कि नेट को मारकर उस लड़की को मेरे पास ले आओ। लेकिन तभी नेट लिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब नेट लिली को लाइक करने लगा था इसलिए वो लिली से कहता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। शाम को नेट लिली को एक बंद पड़े म्यूजिक हाउस में लेकर जाता है जहाँ पर ओशियन की एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई थी। लिली नेट से
उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो वो नेट बताता है कि उसकी वाइफ थी लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद लिली नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ट्रम्पेट बजाए और नेट उसके लिए ट्रम्पेट बजाता है। इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं और इसी दौरान ये दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर ये दोनों होटल में जाकर भी इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हैप्पी अपने गुंडों के साथ इन दोनों तक पहुंच जाता है। वो नेट के गले पर एक चाकू रखता है और फिर लिली को सब कुछ सच बता देता है कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए लिली को भेज दिया है। ये जानकर लिली को बहुत बुरा लगता है और वो हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर एक शर्त रखती है कि उसके जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर हैप्पी लिली की बात मानकर उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन लिली के वहां से जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को बुरी तरह से पीट देते हैं। नेट अपने दोस्त हैरेट को फोन करके अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसे लिली वापस चाहिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इस पर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हैरेट एक डिलीवरी ट्रक लेकर हैप्पी के घर जाता है। वहां पर हैरेट सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाती है और पीछे से नेट हैप्पी के घर में घुस जाता है। अंदर नेट देखता है कि लिली हैप्पी के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है और नेट उसके सामने आ जाता है और लिली से कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या वो नेट के साथ वापस जाना चाहती है। इस पर लिली साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर नेट को बहुत दुख होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। लिली हैप्पी को फिर से याद दिलाती है कि जब नेट जिंदा है तब तक ही वो उसके साथ रहेगी और हैप्पी प्रॉमिस करता है कि वो नेट को नहीं मारेगा। नेट वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो इतने दिनों से गायब था। अब नेट को पैसों की बहुत कमी हो जाती है और वो अपना ट्रम्पेट भी बेच देता है। कुछ दिनों बाद नेट अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जिसकी नेट ने पहले काफी हेल्प भी की थी। वो उससे मदद मांगता है और वो कहता है कि वो उसके साथ पार्टीज में ट्रम्पेट बजा सकता है। इधर हैप्पी लिली को बताता है कि उसका असली नाम माइक है और उसका हैप्पी नाम मजाक में रखा गया है क्योंकि वो हमेशा उदास रहता था, लेकिन वो लिली को पाकर अब सच में बहुत हैप्पी है। फिर शाम को हैप्पी लिली को पार्टी में लेकर जाता है और इत्तेफाक से नेट भी उसी पार्टी में म्यूजिक बजाने का काम कर रहा था। फिर नेट लिली को देख उसके पास जाता है लेकिन लिली उससे कोई बात नहीं करती और हैप्पी के साथ वहां से चली जाती है। ये देखकर नेट को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे सेड्यूस करती है और फिर नेट उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने घर ले आता है, लेकिन ये लड़की चालाकी से नेट को एक जहरीला ड्रग दे देती है। दरअसल इस लड़की को सैम ने भेजा था नेट को मारने के लिए, लेकिन हैरेट सही समय पर आकर नेट की जान बचा लेती है। इसके बाद से सैम लिली को खोजते हुए हैप्पी के घर पहुंच जाता है, लेकिन हैप्पी उसे देखते ही गोली मार देता है। अब हैप्पी लिली से बहुत गुस्सा हो गया था और उसे वो फोर्सफुली वहां से ले जाता है। कुछ दिनों बाद नेट को खबर मिलती है कि हैप्पी ने क्लब ओपन किया है जिसमें वो विंग्स वाली लड़की दिखाता है। ये सुनते ही नेट समझ जाता है कि वो लड़की लिली है। नेट हैरेट के साथ हैप्पी के क्लब में जाता है और देखता है कि लिली एक ग्लास के बॉक्स में बंद है और उसके सामने कई अमीर लोग बैठे हुए हैं, और नेट लिली के पास आता है और ग्लास तोड़कर अपने साथ उसे भगा ले जाता है। दोनों भागते हुए बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन अब यहां से कोई रास्ता नहीं था और हैप्पी भी अपने आदमियों के साथ यहां पर आ जाता है और नेट लिली से कहता है कि ये दोनों अब उड़कर यहां से भागेंगे। इस पर लिली उसे बोलती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। इसी बीच नेट बिल्डिंग से कूद जाता है और लिली भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है और फिर लिली उसे पकड़ कर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। काफी दूर जाने पर नेट को डेजर्ट में अपनी कार मिलती है जिसमें वो गैंगस्टर उसको लेकर आया था। वहां पर वो अपनी लाश भी देखता है जिससे पता चलता है कि उस गैंगस्टर ने उसे पहले ही मार दिया था और अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस उसका इमेजिनेशन था और लिली कोई और नहीं बल्कि एक एंजल थी जो उसकी आत्मा को लेने आई थी। और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।